हेलो दोस्त, मेरा नाम है आज़म फारूकी। आपको जो स्क्रीन पे ये विजिटिंग कार्ड नज़र आ रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है और हमने इसको बनाया कैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू पे लेते हैं, मैं न्यू पे ले रखा है। हम यहाँ पर जाएंगे साइज़। विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है 3.5, ठीक है, 3.5 हाइट होगा। हाइट जो है 2.125, मतलब 3.5 और 2 इंच 1, ठीक है। ये हमारा साइज़ हो गया, ठीक है, ये हमारा विजिटिंग का साइज़ हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हमने माउस से इसको अंदर की तरफ ड्रैग करके ये मैंने इसका माउस का राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। हम इसको लाएंगे अंदर की नीचे की तरफ, इतना काफ़ी है। और मुझे लग रहा है कि ये बॉक्स मैंने और पतला करना चाहिए इसको, और हाइट कम करनी चाहिए इसको, ठीक है। यह है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर, ठीक। फिर इसका एक हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर इसको शिफ्ट दबाकर इसको दबाएंगे इतना, ठीक है। हम इसको लेकर आते हैं नीचे की तरफ, इतना काफ़ी है। इसको फिर हम ऊपर ले जाएंगे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, इतना, ठीक है। बस और नीचे करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कर्व। कर्व करने के लिए माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे। ये शेप टूल जो नज़र आ रहा है, ये इसका शॉर्टकट कमांड है F10। शेप टूल लेंगे, उसके बाद हम इस वाले नोट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए ये आर जो आ रहा है ऐड नोट का, ग्रीन कलर वाला जो लिखा हुआ ऐड नोट, हम इस पर ऐड करेंगे नोट को, ठीक है। ऐड, ठीक है, करते हैं इसको, करते हैं फिर इसको करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया तक। ये इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, मुझे लग रहा है छोटा है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम इसमें करते हैं कलर। कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नज़र आ रहा है आपको नीचे की जा, ये या फिर इसका शॉर्ट का माना F11, ठीक है, या फिर हम इस पर दो बार क्लिक करेंगे। ये जो हमारा ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, वह क्लिक किया, ये आउटलाइन का है, ये फिल का, जो नल लिखा हुआ ये फिल का है। चलिए हम पहले F11 दबाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कलर करेंगे रेड। रेड का क्या है परसेंटेज है, येलो 100% और मेजेंटा 100%, ठीक है। ये हमारा एक तरफ उधर हो गया। अब इस तरफ कलर करेंगे हम मेजेंटा 100%, येलो 100%, उसके बाद ब्लैक 50% और सियान 10%, ठीक है। ये हमारा कलर है, ठीक है, हम वो कर देंगे ओके। इसका आउटलाइन जो है इसको हम कर देते हैं नन, ओके। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ कमा टूल्स में जाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे पेन टूल, ठीक है। पेन टूल लेकर हम इस पर यहाँ क्लिक किया, उसके बाद इस नोट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। हम इसको कर देते हैं जूम। जूम करने का हमें सारा नोट नज़र आएगा सही से। ये अभी यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट। इसको हम लाते हैं बिल्कुल इसके कॉर्नर पर, ठीक है, ये हो गया। हम इसको और अंदर की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ, यहाँ तक हो गया। अब इसको भी हल्का ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कलर करेंगे, इसको सेलेक्ट करके रखेंगे। हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें आउटलाइन कलर करना, तो आउटलाइन में क्लिक करना पड़ेगा, या आउटलाइन पैन पर क्लिक करना, तो उसमें क्लिक हमें करना है फिल, तो हमने फिल पर क्लिक रहने दिया, ठीक है। राइट निशान जो है ओके कर दिया। उसको हम इसमें कर देंगे कलर, ठीक है। हम इसका आउटलाइन कर देंगे नन, ओके। अब हम इसको कर देते हैं शिफ्ट पेज अप ऊपर, ठीक है, ठीक है, देखिए आ रहा है हमारा। हम क्या करेंगे, इसको इसी को फिर करेंगे कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन से बिल्कुल नीचे नीचे चला जाएगा,
बिल्कुल ये जितने भी बॉक्स होंगे सबसे नीचे चला जाएगा। अगर कंट्रोल पैटर्न करेंगे तो सिर्फ जो ऊपर वाला बॉक्स होगा उसके नीचे जाएगा, उसके बिहाइंड जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये ओके हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे मैटर। ठीक है, देखिए मैंने मैटर जो है यहाँ पे रख रखा लगे जो मैंने टाइप किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा मैटर है, हम इसको उठा कर लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ले आए हमने। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट अपना नाम जो है यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इसको कर देते हैं अनग्रुप। यहाँ पे जो लाइन है इसमें करते हैं ब्लैक फिल, और यहाँ पे एक और बॉक्स होगा शायद, नहीं है, हम यहाँ से एक और रेक्टेंगल टूल से एक बॉक्स लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे इतना करके, फिर इसका जो है शेप टूल से इसका इसको राउंड कर देंगे। ठीक है, इसका कॉर्नर जो है राउंड करके इसमें फिल कर देते हैं रेड, और इसका आउटलाइन कर देते हैं नन। ठीक है, ये हो गया। हम जो है ये आज़म फारूकी का जो फारूकी है इसमें हम क्या करते हैं 80% ब्लैक करेंगे। ठीक है, हल्का उससे कम रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें ये लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे तीन बॉक्स लेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे लिप टूल पे ड्रैग करेंगे, इतना सा काफ़ी है। ठीक है, हम और छोटा छोटा करते हैं, हाँ इतना। ठीक है, हम कर देते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब हम इसको और करेंगे, लाएंगे इसको दोबारा, इतना काफ़ी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे मोबाइल का यू ये है क्या कहते हैं उसको सिंबल जो है उसको हम करेंगे इस मोबाइल के सिंबल क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ इस जो हमारा बॉक्स मैंने वाइट कलर कर रखा है उस पर क्लिक करेंगे, कर देंगे सी सेंटर ई यानी इक्वल सेंटर इक्वल, चला गया अंदर के अंदर चला गया नीचे। हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये नहीं हो रहा तो हम इस तरह ऑल्ट दबा कर ड्रैग करेंगे, ये आराम से हम इसको कर देंगे शिफ्ट पेज ऑफ ऊपर कर देंगे। ठीक है, इसमें कर देते हैं हम रेड फील, ओके जी। ठीक है, हम फिर यहाँ पे लेंगे मेल का जो सिंबल है, मेल का जो क्या कहते हैं लोगो है उसको हम कर देंगे पेज अप, और इसमें कर देते हैं हम रेड फील। ठीक है, ये हो गया। हमारा जो है इसका जो है एड्रेस का उसको लिए हमने शिफ्ट क्या कह रहा है पेज ऑफ करना है, इसको शिफ्ट पेज अप, उसमें इसको हम कर देंगे रेड कलर। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक आ गया। अब हम लेते हैं फ़ोन नंबर, पहले हम इसको कर देंगे इसके इक्वल यानी ई। ठीक है, ये अंदर चला गया, हम इसको कर देते हैं पेज अप। ठीक है, इसमें कलर कर देते हैं वाइट, ओके। तो फिर हम ये लेंगे ईमेल लेंगे, ईमेल को इसके इक्वल करेंगे, ये नीचे चला गया, हम इसको कर देंगे पेज अप, इसमें कर देते हैं वाइट फिल। ठीक है, हम लेंगे अब एड्रेस, इसको कर देंगे इसके टॉप, इसको हम बाहर सेलेक्ट करने का कर देंगे पेज ऑफ, और इसमें कर देंगे हम वाइट फील, ओके। यहाँ तक तो हमारा हो गया है, मतलब डिज़ाइन विजिटिंग कार्ड जो है एक तरफ का तैयार हो चुका है। ये हल्का सा इसको और अंदर की तरफ करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। हम जो फ्रंट्स, ये हमारा बैक हो गया, हम बनाएंगे फ्रंट। ठीक है, हम इसका इसके साथ लेना है, ये ब्लैक वाला जो है इसके साथ लेना है। फिर पहले ब्लैक वाला क्लिक किया, शिफ्ट दबाकर हमारा जो साइज़ है उस पर क्लिक किया, उसके बाद इसको माउस से कंट्रोल दबा ऊपर की तरफ करके इसको कर देंगे, माउस का राइट क्लिक कॉपी हो गया, हम इसको कहाँ से मिरर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और बॉक्स लेंगे, इतना काफ़ी है, हम इसको कर रहे हैं कंट्रोल क्यू शॉर्टकट कमांड है कर्व करने के लिए, हम उसे क्लिक के यहाँ से कर देंगे कर्व। फिर ये वाला हम नोड को सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे हम ऐड नोड। ठीक है, करना पड़ेगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, शेप टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे डिलीट, इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर लेते हैं पेन टूल, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऊपर, हम इसको इसके सेंटर में लाएंगे और अंदर ले जाएंगे इसको। ठीक,
इसमें करेंगे हम कलर, कलर करेंगे हम जाएंगे फिर एडिट में। एडिट में जाने के बाद कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टीज उस पर कर देंगे हम। फिर हमारा ऑलरेडी क्लिक किया हुआ हम कर देंगे ओके। उसके बाद इस कलर पे क्लिक कर देंगे हम, इसका आउटलाइन कर देते हैं नन, ठीक है। और फिर हम निचले बॉक्स में जाएंगे, फिर वही करेंगे हम एडिट में जाने के बाद कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टीज यहाँ पे फिल है ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ये वाला कलर हमारा, जो इसका भी आउटलाइन कर देंगे हम नन, ठीक है। ये हो गया हमारा। हम अब इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको इस तरफ कंट्रोल दबा कर पलट कर माउस राइट क्लिक कर देंगे, हो जाएगा कॉपी। इसको कर देते हैं लेफ्ट, ठीक है। और ये है हमारा राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट इसको करना है ग्रुप, इसको भी अनग्रुप, ठीक है। करने के बाद ये निचला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ये अनग्रुप नहीं हुआ शायद, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने का हम कर देंगे कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर शिफ्ट पेज में करेंगे तो ये जो हमारा साइज वाला बॉक्स है उसके नीचे भी चला जाएगा ये। तो हमें कंट्रोल पेज में करेंगे तो सिर्फ हमारे इस ब्लैक के नीचे ही जाएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल पेज डाउन, ये हो गया हमारा। यहाँ तक तो ये तैयार हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं कहता हूँ नीचे तक दबा देते हैं, नहीं सही, ठीक है। हम ये हमारा लोगो है, हम लोगो ला कर देंगे यहाँ पे, करते हैं इसको सेंटर, ठीक है। क्या किया, शिफ्ट के साथ इस बॉक्स हमारे लोगो पहले सेलेक्ट किया, उसका शिफ्ट के बाद ये आउटर पर क्लिक करने के बाद हम कर दिया सी, ठीक है। हम इसमें कर देंगे ये हमारा लोगो है उसमें रेड कलर, ठीक है। और इसमें कर देते हैं हम कोई दूसरा कलर कर देते हैं, इसमें कर देते हैं फिलहाल येल्लो, येल्लो नज़र नहीं आएगा। वाइट पे हम इसमें कर देते हैं सियान कलर, ठीक है। ये है अब इसमें ब्लैक है, ठीक है। और इसमें हम कर देते हैं लाइट ब्लैक 80%, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी ये वेबसाइट है, हम इसको इसके सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसमें कर देंगे हम वाइट फिल, ठीक है। हम इसको कर देते हैं शिफ्ट पेज ऑफ, ठीक है। यहाँ तो हो गया। हम एक और बॉक्स लेंगे बाहर से, इसमें कर देते हैं ग्रे स्केल, इसको कर देते हैं नन, ठीक है। अब इसमें कर देंगे हम वाइट फिल, इसको कर देते हैं हम शिफ्ट पेज ऑफ ऊपर, ठीक है। इसमें भी वाइट फिल करेंगे, इसमें जब नीचे जा रहा है उसको हम कर देंगे शिफ्ट पेज ऑफ, ठीक है। फिर ऊपर हो जाएगा। हम इसको इसका वाइट आउटलाइन कर देंगे नन। अब इस सबको तो ये हमारा आटा तो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे QR कोड जो हमारा बाहर रखा हुआ है, हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे इसको थोड़ा सा नीचे की जाने तरफ करके, और जो हमारा ये रेस नंबर जो है इसको बाहर सेलेक्ट करने के बाद इसको हल्का सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको और नीचे कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा ये हो गया। हम इसको कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद ये है, ये हमारा दोस्त तैयार हो गया है।